खबर की ओर। 6 जून को किसान नेता मनजीत सिंह का बेटा गुरदास कॉलेज से वापस जब घर लौट रहा था तो रास्ते में कुछ व्यक्तियों ने उस पर जानलेवा हमला किया, तो थोड़ी ही देर में उसके पिता मनजीत सिंह मौके पर पहुंचे। मनजीत सिंह ने दो लड़कों को एक लाठी से बड़ी बुरी तरह से पीटा और वहां खड़े कुछ लोगों ने उन लड़कों को पीटने की वीडियो बना ली और वह वीडियो वायरल हो गई। पुलिस ने 7 जून को किसान मनजीत सिंह के बयानों पर 6 व्यक्तियों के खिलाफ इरादा कत्ल अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया। दलित नेता दर्शन सिंह कांगड़ा और रवि चावला ने कहा कि किसान नेताओं पर जो पुलिस ने मामला दर्ज किया है उस पर ना कार्रवाई और ना ही कोई गिरफ्तारी की जाए तो दलित भाईचारे की तरफ से संगरूर शहर को बंद किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राह के किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जो घटना हमारे किसान नेता मनजीत सिंह घराचों के साथ हुई है उसमें प्रशासन जानबूझकर मजदूर किसानों का मुद्दा बना रही है और हमारे किसान मनजीत सिंह के खिलाफ SC ST एक्ट मामला दर्ज करके प्रशासन इस मामले को तूल दे रहा है। और उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन ने यह SC ST एक्ट का मामला रद्द नहीं किया तो आने वाले समय में किसान बड़ा संघर्ष करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। संगरूर से धर्मवीर सिंह की रिपोर्ट। काला झाड़ा सूबा सकत्र भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राह, अज असी संगरूर जिले की जिहड़ी मीटिंग की हैगी आ जिला प्रधान अमरीक सिंह गंडूआं ते दरबारा सिंह साजला की प्रधानगी हेठ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘਰਾਚੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹ ਘਟਨਾ ਸਾਰੀ ਘਟੀ ਆ ਉਹ ਘਟਨਾ ਜਣੀ ਮਤਲਬ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਟੇਰੇ ਗਰੋਹ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮਸਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘਰਾਚੋਂ ਆ ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਾਲਜ 'ਚੋਂ ਗਿਆ।